दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चौथे टेस्ट मुकाबले को जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला, जहां भारतीय टीम की नैया डूबती हुई नजर आ रही थी, वहीं अंत में शार्दुल ठाकुर ने तो आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ सभी का दिल जीत लिया। गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर चुकी है। चलिए बताते हैं आपको भारतीय टीम के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ ही पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया। उसमें इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर फिर एक बार गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में इतनी खराब रही कि इस बीच सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा के बड़े विकेट का भार इतना ज्यादा था कि टीम को जरूरत थी एक साझेदारी की, लेकिन केएल राहुल सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तीन नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम को पूरी तरह से निराश कर दिया। पुजारा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम 69 रन पे अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। उसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच में छोटी सी साझेदारी जरूर हुई। विराट कोहली 50 रन बनाकर आउट हो गए। इस बीच अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत भी सस्ते में आउट हो गए। भारतीय टीम ने सिर्फ 127 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खो दिया और उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने तो सभी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। शार्दुल ठाकुर शुरुआत से ही इस तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आए मानो T20 क्रिकेट खेल रहे हो। पहले तो शार्दुल ठाकुर ने एक ओवर में लगातार 2 शानदार चौके लगाए और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 57 रन ठोक डाले। शार्दुल ठाकुर के इस बल्लेबाजी के आगे तो सभी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने इस टेस्ट क्रिकेट को भी T20 क्रिकेट बना दिया। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए, जिसके बाद भारतीय टीम 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। छोटे से स्कोर के बाद अब भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही अपने दूसरे ओवर में रोरी बंस को सिर्फ 5 रन के स्कोर पर ही बोल्ड मारकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। इस विकेट के साथ तो जसप्रीत बुमराह का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने उसी ओवर की अंतिम गेंद पर हसीब हमीद को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर एक ओवर में लगातार 2 इंग्लैंड को झटके दे दिए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम के महज 6 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े विकेट गिरा दिए, जिसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों डेविड मलान और जो रूट के बीच एक शानदार खतरनाक साझेदारी पनप रही थी, लेकिन उमेश यादव की आग उगलती हुई गेंदबाजी ने जो रूट को 21 रन के स्कोर पर बोल्ड करके इस मैच में भारतीय टीम की उम्मीदों को फिर से एक बार जिंदा कर दिया और 51 रन के स्कोर पर ही हमारी टीम ने इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए, जिसका सारा श्रेय उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को जाता था। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही थी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का क्रीज पर रुकना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय गेंदबाजों ने 53 रन देकर इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा लिए। वैसे दोस्तों आप सभी शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।